फोड़ना और यहाँ पर जो स्मैक का जो अभी जो चलन चल रहा है आए दिन एमडी जो एमडी के यहाँ पर हर समय इस रोड के ऊपर आए इर्द गिर्द जो 500 मीटर के इर्द गिर्द 10 से 15 आदमी आपको मतलब इसमें एमडी खाए हुए एनी टाइम मिलेंगे। ये कंडीशन है बाड़मेर की। अब पुलिस प्रशासन को सचेत होके ये कार्रवाई करनी चाहिए, जिसके एमडी खाई हुई है उसको पकड़ो और उसको पकड़ के उससे ये उगला हो गया किससे ली थी। आज हादसा हुआ था उस हिसाब से तो आदमी 2-3-4 आदमी कम से कम मरते मरते बचे हैं, किस्मत उनकी अच्छी होगी। जो एक आदमी के टांग के ऊपर से जो गाड़ी निकल चुकी है उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। एक व्यक्ति की जो बाइक है, तीन से चार बाइक है जो वो अपने पूरी टूट चुकी है। एक बाइक तो पूरी गाड़ी के नीचे फंसी हुई है। अब आज की कंडीशन के अंदर ये हुई थी जो मेरे आंखों के सामने हुआ था, तो ये बाइक वालों को टक्कर मार रहा था और कम से कम नहीं तो इसने 7-8 चक्कर लगाए थे यहाँ पर टायर बजा के। कम से कम नहीं तो जो स्पीड थी गाड़ी की वो 120-130 की स्पीड से, जो करीबन हमारी रोड है जो 200 मीटर की 100 या 150 मीटर की रोड है, उसके अंदर इसने जो स्पीड थी वो आप समझ नहीं सकते कि 140-130 या 120 की स्पीड होगी। और उस स्थिति के अंदर यहाँ पर भीड़ भाड़ भी रहती है, गाड़ियों का ट्रैफिक भी रहता है। घटना हुई है मावी नगर के अंदर राज होटल के आगे, होटल शुभम पैलेस के आगे। जो ये आतंक अपराधी है देवराज गोरा करके, और इसका यही रहता है महीने में हर 1 या 2 बार 3 बार 4 बार टायर बजाना, यहाँ पर आतंक मचाना, यही इसका काम है। 1-2 बार कई बार समझाइश करवाई लेकिन मानने के लिए ये तैयार नहीं है, ठीक है ना। इसका बिजनेस है दूसरा कोई, ठीक है ना। अब आज की कंडीशन के अंदर ये हुई थी जो मेरे आंखों के सामने हुआ था, तो ये बाइक वालों को टक्कर मार रहा था और कम से कम नहीं तो इसने 7-8 चक्कर लगाए थे यहाँ पर टायर बजा के। कम से कम नहीं तो जो स्पीड थी गाड़ी की वो 120-130 की स्पीड से, जो करीबन हमारी रोड है जो वो 200 मीटर की 100 या 150 मीटर की रोड है, उसके अंदर इसने जो स्पीड थी वो आप समझ नहीं सकते कि 140-130 या 120 की स्पीड होगी। और उस स्थिति के अंदर यहाँ पर भीड़ भाड़ भी रहती है, गाड़ियों का ट्रैफिक भी रहता है, और यहाँ पर जो गाड़ियों की पार्किंग भी रहती है, शराब के ठेके भी है पास में, और बस स्टैंड है जो जहाँ पर फैमिलिया वगैरह भी चढ़ती है। लेकिन इसके ये चीज कुछ नहीं है। और जो आज हादसा हुआ था उस हिसाब से तो आदमी 2-3-4 आदमी कम से कम मरते मरते बचे हैं, किस्मत उनकी अच्छी होगी। जो एक आदमी के टांग के ऊपर से जो गाड़ी निकल चुकी है उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। एक व्यक्ति की जो बाइक है, तीन से चार बाइक है जो वो अपने पूरी टूट चुकी है। एक बाइक तो पूरी गाड़ी के नीचे फंसी हुई है। पुलिस प्रशासन को कॉल किया, पुलिस प्रशासन आया, उनको अभी पकड़ के लेके गया है, और शायद डिप्टी साहब और जो रिको थाना अधिकारी देवाराम जी वो भी आए हैं, और उनको हमने रिक्वेस्ट किया साहब कि ये यहाँ पर जो आतंक चल रहा है इन शराबियों का बोलो, चाहे जो आवारागर्दी वाले हैं उनका बोलो, जो आए दिन ये यहाँ पर टायर बजाना, आतंक मचाना, बियर की बोतलें सड़क पे फेंकना, फोड़ना, और यहाँ पर जो स्मैक का जो अभी जो चलन चल रहा है आए दिन एमडी जो एमडी के यहाँ पर हर समय इस रोड के ऊपर आए इर्द गिर्द जो 500 मीटर के इर्द गिर्द 10 से 15 आदमी आपको मतलब इसमें एमडी खाए हुए एनी टाइम मिलेंगे। ये कंडीशन है बाड़मेर की। अब पुलिस प्रशासन को सचेत होके ये कार्रवाई करनी चाहिए, जिसके एमडी खाई हुई है उसको पकड़ो और उसको पकड़ के उससे ये उगला हो गया किससे ली थी, ठीक है ना। मेरी और आगे से ये घटना नहीं हो। और यही क्योंकि बस स्टैंड यहाँ पर है, यहाँ पर फैमिली भी चढ़ती है, लेडीज भी रहती है, बच्चे भी रहती है, उन पे क्या असर पड़ेगा ये प्रशासन को पता है। एक बार